और ये अजीव काड़ा के हिसाब से खूबसूरत तफरीही पार्क पब्लिक पार्क में यावर जमान का मरकजी दरवाजा। बायां हाथ आपको कुछ हदायात नजर आती हैं, उनको जरूर पढ़ लीजिए ताकि किसी किस्म की मुश्किलात का सामना आपको बाद में ना करना पड़े। पार्क में बच्चों के लिए और खवातीन के लिए झूले वगैरह लगाए गए हैं, जहाँ पे आपको बच्चे से लाल झूला वगैरह झूलते नजर आ रहे हैं। पार्क में बहुत ही खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं, काट डालने का डिजाइन बड़ा प्यारा और बड़े सलीके से लगाई गई हैं। इतवार वाले दिन यहाँ पे बहुत रश होता है क्योंकि छुट्टी होती है, तो फैमिलीज के साथ लोग वगैरह आए होते हैं। देखें एक पौधे पे बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। पार्क के दो दरवाजे हैं, ये मशरकी साइड वाला दरवाजा है जो बरलब नहर की तरफ खुलता है, जहाँ पार्क में ये टर्फटाइल वाले ट्रैक्स बनाए गए हैं। वहाँ एक तरफ ये मॉर्निंग वॉक करने के लिए कच्चा ट्रैक भी अवेलेबल है जिस पे लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं सुबह सुबह। इस पे किसी किस्म की पेमेंट नहीं की गई, ये ट्रैक बड़े खूबसूरत बना हुआ है। इस ट्रैक पे आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं सुबह सुबह भागने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है। साइडों पर बड़े खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं और मंज़र बड़ा खूबसूरत होता है यहाँ पर सुबह सुबह। पार्क में जगह जगह पार्क की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए यहाँ पे गुलाब के और दीगर के इकसाम के फूल भी लगाए गए हैं। ड्वार्फ पाम ट्रीज हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं, इनको थोड़ा सा फल भी लगा हुआ है। ये छोटे छोटी एक किस्म की बोनासी खजूरें हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पार्क में एक साइड पर ये पहाड़ी नुमा मंजर बनाया गया आर्टिफिशियली, ये बहुत ही खूबसूरत है, इसके ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। ले जनाब ये हम इसके बिल्कुल ऊपर आ गए हैं छत पे, यहाँ बैठने के लिए कुछ सीमेंट से बने हुए बेंच वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पे नीचे ये आबशार बनाई गई है जो इवेंट्स के मौके पर जैसे ईद बारह रुपये लेवल वगैरह के मौके पर ये चलाई जाती है। ये पाकिस्तान के कल्चर को दिखाने के लिए देसी हट बनाई गई है, जिस तरह के गांव में पंचायत वगैरह होती हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग वगैरह यहाँ पे की हैं, लेकिन आवाम ने भी अपनी कारागरी के जौहर दिखाए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने बताया कि हम खुद आर्टिस्ट हैं, आप क्या चीज़ हो भाई। सूरज गुरूब की जानिब रवा दवा, शाम की तरफ पार्क बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पार्क की पिछली साइड पे बड़ी नहर है। और ये कोई भाई साहब हैं जो पार्क में अपनी तन्हाई को एंजॉय करते हुए और किसी की याद में सिगरेट के कश लगाते हुए।
और यही इस पार्क का सबसे ज़्यादा मशहूर सेल्फी या फोटो पॉइंट है। यहाँ पे अक्सर आपको लोग खड़े होकर फोटो वगैरह बनाते नजर आएंगे, क्योंकि ये दरवाज़ा एक पुरानी तर्ज तमीर का आला नमूना जिस पर फिलहाल एक बहुत ही सेहतमंद किस्म की छिपकली विराजमान है।